एमएम का बीट यूज कर रहे हैं, यानी अगर आपको 12 mm का फास्टनर लगाना है तो आपको 18 mm का बीट यूज करना पड़ेगा। आउट गई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आधा होल कर पाए हैं, देखो यहाँ पे अच्छे से लगा देते हैं और यहाँ लगा दिए हैं एलर टाइट जब भी के, ठीक है। और हैमर मदद से हम लोग क्या कर देंगे, इसको ठोक देंगे, ठीक है, ये अंदर चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, एक दुकान है जिसपे कपड़े की दुकान खुलने वाली है, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पर एक फैन रखा हुआ है, ग्राहक ने फैन लगाने के लिए बोला है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही, जो फैन है वो सेंटर पे नहीं है, साइड में है। तो हमको क्या करना है, इस फैन को सेंटर में लगाना था, हमने ग्राहक को फास्टनर के लिए एडवाइज किया है, तो यहाँ पे हमको लगाना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपका भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर सेंटर पे नहीं है, बगल में करना है, तो आप भी लगा सकते हैं। तो हम लोग उसको लगाने के लिए, सेंटर पे लगाने के लिए फैन को, यहाँ फैन फास्टनर लाए हुए हैं जो कि 12 mm का है। क्या है दोस्तों, फैन फास्टनर है 12 mm का, दो आता है फैन फास्टनर, एक 10 mm का आता है मोटाई में, एक 12 mm का आता है। तो हम यहाँ पर जो लाए हुए हैं, 12 mm का मोटा वाला फास्टनर लाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितने एमएम का लगाते हैं हम लोग, तो 10 भी लगता है, 12 भी लगता है, तो हम लोग 12 mm लगाए हैं। और यहाँ पर लाए हुए हैं फेवी टाइट, ठीक है। फेवी टाइट का काम क्या होता है, इसको भी हम लोग ले आए हुए एक पैकेट, ताकि हम इसमें फास्टनर में अच्छी तरीके से लगा दें, ताकि फास्टनर हिले डुले ना, ठीक है। तो और यहाँ पर हम लोग जो बीट यूज कर रहे हैं, मतलब बर्मा जिसको बोलते हैं, ये हैमर मशीन में लगता है। तो हम लोग यहाँ पे 18 mm का बीट यूज कर रहे हैं, यानी अगर आपको 12 mm का फास्टनर लगाना है तो आपको 18 mm का बीट यूज करना पड़ेगा, और अगर आप 10 mm का फास्टनर लगा रहे हैं फिर आपको 16 mm का फास्टनर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको मेजर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो बर्मा होता है 5-6 इंची का होता है, ठीक है। और हमको जो होल करना है 3 इंच ही होल करना है, हमको जो होल करना है वो 3 इंच ही होल करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टेप लगा देते हैं, इससे ज्यादा हम लोग यहाँ पर मेजर, मतलब इससे ज्यादा होल नहीं करें, क्योंकि जो हमारा छत की ढलाई होती है लगभग वो 5 इंची होती है, अगर हम 6 इंची का होल कर देंगे छत हमारा आर पार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस बर्मे को अच्छे तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मशीन जो बर्मा लगेगा, हमेशा ड्रिल मशीन में नहीं लगेगा, हैमर वाली ड्रिल मशीन में लगेगा, जो हैमर की मशीन होगी वही आरसीसी को छेद कर पाएगा। दोस्तों आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, जैसे कि इस फास्टनर को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको छेद कर दे रहे हैं, देख लीजिए हम लोग यहाँ पे छेद कर रहे हैं, चलिए, ठीक है। दोस्तों इस मशीन से हम लोग जो छेद कर रहे थे, तो ये हैमर मशीन था, अचानक से इसका खराब हो गया है, मतलब अभी काम कर रहा है, तो ये जो मशीन हमारा है चलते चलते रुक गई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आधा होल कर पाए हैं, देख लीजिए इतना होल किए हुए हैं। और अब क्या करें कि हम लोग यहाँ पे मशीन को रख दिए, क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो गई है, देख रहे हैं यहाँ से कार्बन वगैरह जल उल गया जो भी हुआ हो, और हम लोग यहाँ पे दूसरी मशीन लाएँ, उससे हम लोग होल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर कभी कभी इलेक्ट्रिशियन भाई लोग होल करते हैं, तो कभी कभी क्या आ जाता है, सरिया आ जाता है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना, सरिया आ जाए तो क्या करना है, साइड होल करना। अगर इसको चेक करना है सरिया आया है या नहीं है, तो पहले आप 6 mm के बीच से एक लंबा होल कर लीजिए, पतला होल कर लीजिए, अगर उस सरिया नहीं आता है तो उसी में आप 18 mm का बीट लगाइए, यही एक तरीका है पता करने का सरिया है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक चीज़ में कुछ नोट पॉइंट आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि ये बीट जो ये फास्टनर है ये सिर्फ आरसीसी में लगेगा, आरबी में नहीं लगेगा, ठीक है। आरबी में लगेगा तो हमारा गिरने का चांस रहता है। और यहाँ पे हम लोग एलाडाइट लाए हुए हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों पैकेट को फाड़ लेते हैं और आपस में मिक्स कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग फाड़ के मिक्स कर देंगे, फास्टनर में चारों तरफ लगा देंगे। इसको हम लोग क्यों लगाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इसको लगाने का एक ही रीज़न होता है, ताकि हमारा फैन कभी भी नट वगैरह इसका ढीला ना हो और गिरे ना, ठीक है। ये क्या करता है, दीवाल और नट के बीच में जो जगह होता है फास्टनर के बीच में, उसमें स्पेस भर जाता है, ठीक है। तो तक भी अगर फैन वगैरह हिलेगा तो भी हमारा फैन गिरेगा नहीं, इसलिए हम इसको लगाते हैं, ठीक है। और आपको बता देना चाहते हैं, अगर बाई चांस आपका कभी भी फैन हिल डुल रहा है, तो आपको तुरंत क्या करना है, उस फैन को चेंज कर दीजिए, उसको बनवा दीजिए, ठीक है।
इस फास्टनर पे आप 70 केजी का वेट लगा सकते हैं, 70 किलो का वजन इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो फास्टनर लगाने का चार्ज होता है यूपी प्रयागराज में, तो 200 रुपये है एक फास्टनर लगाने का चार्ज, 200 रुपये है। फास्टनर का पैसा हम लोग अलग से लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो ये हैमर मशीन से ही क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग डील करते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे अच्छे से लगा देते हैं और यहाँ लगा दिए हैं एलाडाइट। जब भी आप लगाइए तो क्या करिए, एलाडाइट जरूर लगाइए, ठीक है। एलाडाइट हो गया, फेविटाइट हो गया, ये सब चीज़ें क्या लगाने से क्या होता है, फास्टनर हमारा एकदम अच्छे से मजबूती से टिक जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं ऊपर और यहाँ पे देखिए इसको डाल के, ठीक है, और हैमर मदद से हम लोग क्या कर देंगे, इसको ठोक देंगे, ठीक है, ये अंदर चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं और खूब अच्छे से हम लोग क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको लगाने के बाद खूब अच्छे से टाइट कर देंगे और यहाँ पे आपको अभी लटक के भी दिखाएंगे कि हम लोग यहाँ हमारा काम प्रॉपर तरीके से हो गया है नहीं हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको खूब अच्छे तरीके से टाइट कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग बीच में हैमर या हथौड़ी डाल देते हैं और इसको इस तरह से खूब कस टाइट कर देते हैं, ठीक है। जितना टाइट कर देंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आपको ध्यान रखना होल करते समय एक चीज़ का सावधान रखना है कि होल 3 इंच का ही होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो सकता है कि टूट सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लगा दिए हैं, अब हम यहाँ स्वयं कैमरे के सामने आ गए हैं और यहाँ पे एक बार लटक के आपको दिखाते हैं कि ये कितना मजबूत है। तो हम लोग यहाँ लटक जाते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग लटक गए हैं दोनों पैर करके और बढ़िया सा लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग यहाँ पर फैन लगा देते हैं, फैन लगाने के बाद कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको थोड़ा थोड़ा काम सिखा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फैन ओके हो गया है, अब बारी आती है हम लोग को पेमेंट लेने की। तो कितना पैसा लेना है, सिर्फ फास्टनर लगाने का 200 रुपये होता है, फैन लगाने का 100 रुपये। वीडियो देखने में बहुत बहुत